गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस. बेटा, अपना टॉपिक है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स. ये चल रहा था, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लाम रिलीजन जो है, जो वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो कैसे फैला, कहाँ ये ओरिजिन हुआ, डिफरेंट पीपल जो हैं डिफरेंट प्लेसेस में कैसे रहते हैं, कैसे ये स्प्रेड हुआ इस तरीके से. ठीक है, जैसे मैंने बताया, इस्लाम जो था शुरू में एक रिलीजन नहीं था, यह एक सोसाइटी थी. बाद में धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करती रही और ये रिलीजन बन गया. मुस्लिम जैसे जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू में भी कई प्रकार की कास्ट हो गई. जैसे आपने एंशियंट टाइम में पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैश्य, ये फोर कम्युनिटी थी. लेकिन धीरे धीरे ये और बढ़ती गई, इसमें दूसरी कास्ट भी आ गई, जैसे टेलर आ गए, कुम्हार आ गए, ट्रेडर्स आ गए. तो ये फिर बाद में और आज कितना इसमें चेंजेस आते चले गए हैं. तो अपने सारा कुछ जैसा हिंदू रिलीजन्स में होता है, ऐसा ही मुस्लिम रिलीजन्स में भी होता है. ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे ओरिएंटलिस्ट के बारे में. अब अपन आगे चलते हैं. जो इस्लाम रिलीजन है, इसकी स्टडी स्टार्ट करी अरेबिया, क्रिटिकल एनालिसिस किया गया. मतलब हमें को जो भी रिटर्न रिसोर्सेज मिले, हमने क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब हमने जो बुक्स में लिख दिया उस चीज़ को एज इट इज इन्होंने नहीं माना, उसमें चेक किया क्या ये सही है, तब उन्होंने इस चीज़ को किया. एक बंदा था जिसका नाम था एकनाज गोल्ड जीहर. एकनाज गोल्ड जीहर ये हंगरियन थे. हंगरी जो कंट्री है वहाँ के रहने वाले थे. ज्यू हु स्टडी, ज्यू थे ये, हंगरियन ज्यू, क्रिश्चियन नहीं थे, ज्यू थे ये. और इस्लामिक कॉलेज जो थे इन कैरियो में, वहाँ पर ये पढ़ रहे थे. एंड प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग स्टडी इन जर्मन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड थ्योरी. इन्होंने लॉ एंड थ्योरी उस के बारे में, इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ा. 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस ऑफ इस्लाम हैव लार्जली फॉलो द इंटरेस्ट एंड मेथड ऑफ ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट कौन थे, उन मेथड को अपना लिया, दोनों में कंपैरिजन करने लगे कौन सुपीरियर वगैरह है. दे हैव वाइडन द स्कोप ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री बाय इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स ले लिए, एंड बाय यूजिंग अलाइड डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक, एंथ्रोपोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स हैव रिफाइंड मैनी एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटल स्टडी. द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम इज ए गुड एग्जाम्पल. मतलब उन्होंने कैसे किया इस तरीके से. तो अब अपन टॉपिक ले रहे हैं द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया. जैसे कि अरेबिया में कैसे ही इस्लाम रिलीजन जो है ओरिजन हुआ, अब अपन उस सर्कमस्टांसेस को स्टडी करेंगे. डूरिंग 613-32 प्रोफेट मोहम्मद जो थे, ये वर्शिप थे, लोगों को प्रीच देते थे वर्शिप का, कि हमको एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, है? और ये लोगों को समझाते थे कि हमको एक ही प्रकार के रिलीजन की पूजा करनी चाहिए थी. जिन लोगों ने इनकी बातों को माना और एक ही भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, उनको कहा गया उमा. अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय उमा. तो उमा वही थे जब मोहम्मद, जो प्रोहिबिट मोहम्मद जो थे वो सिंगल गॉड के लिए बोलते थे, और जो एक मेंबर जो थे, एक कम्युनिटी के जो मेंबर थे, उस कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को जो बिलीवर्स थे, उनको उमा बोलते थे. दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम. इसी से ही इस्लाम रिलीजन का ओरिजिन हुआ. मोहम्मद साहब जो थे वाज एन अरब, अरब कंट्री के रहने वाले थे, तो वो अरब थे. बाय लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग वो अरब थे, जैसे कि आप लोग, अपन लोग इंडियन से. एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन और काम जो करते थे वो ट्रेडिंग का काम करते थे. 6th सेंचुरी में अरब कल्चर वाज लार्जली कॉन्फाइंड टू द अरेबियन पेनिसुला एंड एरिया ऑफ द सीरिया एंड मेसोपोटामिया. तो ये जो अरेबिया पेनिसुला है, यह साउथ सीरिया और पेनिसुला जो एरिया था वहां तक फैला हुआ था. बेटा ये देखो सीरिया कहाँ है, यहाँ आ जाओ. सीरिया जो है बिल्कुल इंडिया, सॉरी वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया है. एशिया मैप में देखोगे तो देखो ये रहा सीरिया,
ये सीरिया रहा इधर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मक्का मदीना, इधर रहा मेसोपोटामिया। देखो इराक का नाम है मेसोपोटामिया, आपको दिखाई देगा। तो बेटा ये देखो मैं हर चीज आपको मैप में बता रहा हूँ, आप इन चीजों को लर्न करें। जब आप स्कूल खुल जाएंगे, जब हम आपका टेस्ट लेंगे, तब तो हम आपको एक बार समझाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, फिर आपको बताएंगे ये आपको फिल करना है, मेसोपोटामिया मार्क करो, सीरिया मार्क करो, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा मैप। ठीक है, दो अरब जो थे उस टाइम में, अरब के जो पीपल्स थे वहां पे ट्राइब्स थी, लोग बाग कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है, और जो कबीला है उसका एक चीफ होता था जिसको पार्टली ऑन द बेसिक ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन, बट मोर, अच्छा कई बार फैमिली के कनेक्शन के अकॉर्डिंग वो बंदा बनता था। जैसे मान लो मैं बन गया, मेरे बाद मेरी संतान वगैरह या मेरे परिवार का कोई मेंबर बन गया अगर वो पावरफुल है, तो उसके साथ साथ में ही देखा जाता था उसमें साहस कितना है, न्याय रखता है कि नहीं रखता, और दयालु वगैरह है या नहीं है। ओवरऑल जिसके पास में पावर होती थी वो ही अरब एरिया में उस कबीले का सरदार बनता था। ईच ट्राइब, जितनी भी ट्राइब जो थी वहां पे, जितनी भी ट्राइब जो थी उन सब के अलग गॉड एंड गॉडेस वगैरह थे। यानी कि सऊदी अरेबिया जो आज सिर्फ एक सिंगल गॉड की पूजा करते हैं, बहुत साल पहले 1500 ईयर एगो पहले डिफरेंट गॉड और गॉडेस की पूजा करते थे। ठीक है, और हु वाज वर्शिप एंड आइडल, आइडल मतलब किसी मूर्ति वगैरह की ये लोग पूजा करते थे हैं, इन ए सेरीन, और उसको एक मंदिर टाइप में जगह पर रखते थे। मैनी जो अरब ट्राइब्स जो हैं वो नोमेडिक्स होती थी। नोमेडिक्स का मतलब होते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, फोडर, वाटर वगैरह के इन चक्कर में ये लोग घूमते थे। और जो नोमेडिक होते थे इनको बी ड्यूएंस बोलते थे। क्या बोलते थे? बी ड्यूएंस बोलते थे। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरिया, सूखे से हरे एरिया में जहाँ पे घास वास होती थी घूमते थे, इन डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर कैमल। कुछ जो पर्सन थे वो सिटी में सेटल हो गए थे, वो ट्राइब्स जो थी। जैसे क्या होता, जैसे जैसे हर आदमी रोजाना नहीं घूम सकता, एक ना एक टाइम ऐसा आता है उसको सेटल लाइफ स्टार्ट करनी होती है। तो इनमें से कुछ जो ट्राइब्स थी वो एक सिटीज में रहने लग गई, काम करने लग गए, ट्रेड वगैरह और एग्रीकल्चर ये लोग करने लग गए। ठीक है, मोहम्मद, जिन प्रोहिबिट मोहम्मद की अपन बात कर रहे हैं, वो भी खुद भी, उनकी भी एक ट्राइब थी जिसका नाम था कुरेश। क्वेश्चन आ सकता है मोहम्मद साहब की ट्राइब्स या किस ट्राइब से वो रिलेटेड थे, तो कुरेश थे। यह लोग मक्का के अंदर रहते थे। ठीक है, और कंट्रोल द मेन शरीन, और मक्का की जो शरीन जो थी, मतलब मक्का का जो टेम्पल था वो ज्यादा फेमस था। वहां पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती थी, मंदिर जो है इनका क्यूब क्यूब देखी होगी आपने, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उसको वो लोग क्या बोलते थे, काबा। फिर से समझ लें थोड़ा सा, मोहम्मद साहब ने जो बातें करी, बताया कि भगवान, एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो उस सोसाइटी जो उनके जो फॉलोवर हुए, सोसाइटी हुई, कम्युनिटी हुई, उनको उम्मा कहा जाता था। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है वहां पे पीपल्स मोस्टली क्या थे, ट्राइब्स थे। ट्राइब्स का राजा जो होता था, चीफ जो होता था, वो साहस से बनता था, जिसके पास में पावर होती थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वहां पे जो पीपल्स हैं वो इन सर्च ऑफ फूड और फोडर घूमते रहते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। इनमें से कुछ जो पीपल्स हैं सिटी में सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, ट्रेड वगैरह और एग्रीकल्चर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब वापस आ जाते हैं मोहम्मद साहब पे, ये बाई ट्राइब्स जो थी कुरेश थे। ठीक है, इन्होंने भी उस टाइम में डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस फॉलो होते थे। उसकी एक मूर्ति होती थी, उस मूर्ति को एक शरीर में टेम्पल में रखते थे, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको काबा बोलते थे। समझ में आ गया? अच्छा, ट्राइब जो थे मक्का के, जो बाहर के जो ट्राइब्स जो थे वो भी सभी लोग मक्का में जो मंदिर है उसमें जो गॉड है उस
को वो इम्पोर्टेंट मानते थे, उस गॉड को वो मेन मानते थे। और कभी हर पीपल जो है उस एरिया में आते थे और उस क्यूबा में जाके उस टेंपल में जाके वो लोग पूजा वगैरह करते थे। ठीक है। अच्छा, और एनुअल पिलग्रिमेज वहां पर होता था। मक्का जो था वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह पे था। मक्का एक क्रॉस लैंड थी, मतलब क्रॉस लैंड मतलब है जैसे आप कैसे होता है, जैसे भैरो है, भैरो दिल्ली और जयपुर के बीच में है, हाईवे पे है, तो दिल्ली और जयपुर जो बंदा जाएगा वो भैरोड़ होके ही जाएगा। तो उसी तरह ही मक्का जो प्लेस थी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। यमन से सीरिया की तरफ जो पर्सन जाएगा तो वो मक्का मदीना होके ही यहाँ से गुजरेगा, जिसकी वजह से इस सिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा बनी हुई थी। ठीक है। मक्का के लिए ये कहा गया था, जैसे ट्राइब जो थी आपस में झगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि जैसे मैंने भी आपको बताया, ये जो पीपल्स हैं डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस की पूजा करते थे, लेकिन मक्का के गॉड एंड गॉडेस को इम्पोर्टेंट मानते थे और सभी लोग एनुअली वहाँ आके पूजा वगैरह करते थे। तो इन्होंने एक रूल्स बना दिया था कि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब को देख के झगड़ा तो करेगी, लेकिन जब वो मक्का में होंगे तो वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं करेगी। यहाँ पे भगवान के दर्शन करो और दर्शन करने के बाद में चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है। और यहाँ पे जो विजिटर्स आएंगे उनका मक्का के जो पीपल हैं वो प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है। पिलग्रिमेज एंड कॉमर्स गिव द नॉमेडिक एंड सेंट्रल ट्राइब अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इस पिलग्रिमेज सेंटर की वजह से डिफरेंट कम्यू और कॉमर्स, जब क्या होता है डिफरेंट कम्युनिटीज किसी जगह पर आती है तो कॉमर्स का मतलब है ट्रेड, तो यहाँ पे ट्रेड भी होगा। तो ट्रेड की वजह से और पिलग्रिमेज की वजह से डिफरेंट कास्ट यहाँ आती थी और अपने आइडियाज को शेयर करती थी, विजिटर एक दूसरे से बातें वगैरह करते थे। यहाँ के जो पीपल्स हैं मैंने कहा गॉड एंड गॉडेस की पूजा करते थे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग गॉड एंड गॉडेस थे इस एरिया के अंदर। ठीक है। अच्छा, जो हमारे अरब वार फैमिलियर विद द नोशन ऑफ ए सुप्रीम गॉड अल्लाह पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्यूस एंड क्रिश्चियन ट्राइब लिविंग इन देयर मिड ईस्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गॉड एंड गॉडेस की पूजा की जाती थी। आगे चलते हैं। अच्छा, जब वो एक प्रकार के आइडल्स की पूजा करते थे जिनकी वजह से इनकी जो पावर्स है वो ज्यादा बनी हुई थी ज्यूज और क्रिश्चियंस के साथ में। मोहम्मद जो थे, साहब जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया 1612 में अपने आप को कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, उनका एक मैसेज है, वो मैसेज सभी को मानना चाहिए। प्रीज दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप, भगवान की सिर्फ भगवान अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, बाकी हमें किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और पूजा करते वक्त हमको कुछ सिंपल रिचुअल्स जो है, रीति रिवाज हैं वो करने हैं। क्या है? डेली प्रेयर करो, मॉरल प्रिंसिपल अपनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्म्स दान वगैरह करो। ठीक है। एंड एब्स्टेंडिंग फ्रॉम थेफ्ट, चोरी वगैरह की इच्छा मन में मत रखो। मोहम्मद वास टू फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर, मोहम्मद साहब ने इन बातों को मानने के लिए कम्युनिटी बनाई जिसको उम्मा कहा जाता था, कॉमन सेट ऑफ रिलीजन बिलीव, और इनको मानने वाले सभी जो पर्सन जो थे वो इन्हीं विश्वासों को मानने वाले थे। क्या मानना? कि भगवान एक है, उनकी पूजा करो, गलत काम मत करो, चोरी वगैरह मत करो, दान पुण्य करो, ये कहते। मोहम्मद मैसेज पर्टिकुलरली अपील टू दोज मक्का हु। अच्छा, मक्का जो मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर्स थे मोस्टली वो पीपल्स बने जो कि नया रिलीजन चाहते थे, नया रिलीजन चाहते थे, वो अपने रिलीजन से परेशान हो चुके थे। अच्छा, दोज हु एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स वार कॉल्ड, जिन्होंने इस चीज को माना उल्मा भी कहलाए और वो ही पर्सन मुस्लिम भी आगे चलकर कहलाए। देवर प्रॉमिस। अच्छा, मोहम्मद साहब ने कहा कि जब इस संसार पे विपत्ति आएगी, स्लेवेशन होगा, न्याय का जब दिन होगा, तो रिसोर्सेज जो हैं, जब रिसोर्सेज बटेंगे तो उनमें उन रिसोर्सेज का डिवाइडेशन होगा, सभी को वो रिसोर्सेज
मिलेंगे। द मुस्लिम सून फेस कॉन्सिडरेबल ऑपोजिशन फ्रॉम, अच्छा ये बात कहते रहे वो लोग हैं तबाही होगी जिसके पास, सपोज कीजिए मैं गरीब हूँ और मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, तो ये कहते थे चिंता मत करो एक दिन कयामत का दिन आएगा, उस दिन रिसोर्सेज का दोबारा से बंटवारा होगा, जिनके पास जिन्होंने ज़्यादा दबा रखा है उनसे छीन के भगवान जो गरीब हैं उनको मिलेगा। धीरे धीरे इनके जो थे वो बढ़ने लगे, इनके धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, मक्का में पहले से ही डिफरेंट टाइप के गॉड एंड गॉडेस थे, जो क्या होता है हर सोसाइटी में एक रिचर सेक्शन होता है। अब रिचर सेक्शन क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेस को मान रहा है, बाकी जो वो एक उन्हीं के सामने एक नया रिलीजन ओरिजन होता है और वो ये कहता है कि वो वाला भगवान जो है वो तो बेकार है और जो नया वाला भगवान है ये सही है, तो उनको क्या होता है उनकी खुद की पोजीशन हिलने लगती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मोहम्मद साहब को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और उनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी पे खतरा आ गया। अब उन्होंने मोहम्मद साहब को सिख 122 में कहा कि यू हैड टू लीव मक्का, कि आपको ये मक्का जो है ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मोहम्मद साहब जो थे मक्का से निकलकर मदीना चले, मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर टू मदीना। मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। जब वो इस जगह गए, जब मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना की तरफ गए, उसी टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट वो था जब मोहम्मद साहब जो है मदीना की तरफ माइग्रेंट हो गए थे, और जब ये माइग्रेंट हुआ है उस टाइम पीरियड से ही इस्लामिक कैलेंडर बन गया। क्या बन गया, इस्लामिक कैलेंडर बन गया, ठीक है। अब इस्लामिक कैलेंडर के बारे में कुछ है वो मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा, पहले अपन आगे चलते हैं, या चलो इस्लामिक कैलेंडर के बारे में बता देते हैं। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी एरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिजरी एरा, ठीक है। ये एस्टेब्लिश किया गया था उमर ने विद द फर्स्ट ईयर, और इसको पहला साल कब माना, जब 622 CE में, जब मैंने आपको कहा वो टर्निंग पॉइंट था। हिजरी कैलेंडर जो है जब स्टार्ट होता है तो एंड में वर्ड आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं AH, ठीक है। हिजरी ईयर इज ए लूनर ईयर, लूनर ईयर का मतलब होता है ये चलता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ मून, जैसे अपना हिंदू कैलेंडर है ये चलता है सन के अकॉर्डिंग और इनका चलता है मून के अकॉर्डिंग। तो इनके कैलेंडर में 354 डेज होते हैं, 12 मंथ होते हैं, मंथ जो है मोहरम से स्टार्ट होता है और धूल पर खत्म हो जाता है, जैसे अपना जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पर खत्म हो जाता है, ये तो इंग्लिश का हुआ, और अपना हिंदी का शायद चैत्र से स्टार्ट होता है, खत्म का होता है नहीं मालूम, ठीक है। इनमें भी डेज 29-30 डेज होते हैं भी वन मंथ में, और इनके जो डेज स्टार्ट होते हैं सनसेट से, अपना डेज स्टार्ट होता है सन राइज से, इनका सनसेट से स्टार्ट होता है, और ईच मंथ जो है जब आधा चंद्रमा होता है आकाश में तब इनका मंथ जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके कोई भी जो फेस्टिवल्स हैं पर्टिकुलर, कोई भी अच्छा इम्पोर्ट अच्छा डे जो माना जाता है मुस्लिम में, वो पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपन दिवाली मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रामचंद्र जी आ गए थे भारत वहां से 14 वर्ष का वनवास, ये तो अपन जानते हैं, लेकिन अपन दिवाली क्यों मनाते हैं, एक इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि इस मौसम में क्या होता है, मच्छर मक्खी वगैरह जो है इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, तो जब अपन ये दीपक जलाएंगे उसका तेल का तो इनके आसपास ही मच्छर मक्खी आएंगे और वो जल जाएंगे। तो इसी तरह से ही अपना बहुत सारे रिलीजन है, और कभी क्लासेस चालू होंगी तो मैं बताऊंगा हिंदू रिलीजन में सारे के सारे जो फंक्शंस हैं फेस्टिवल्स हैं वो पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड पर बने हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ फायदा है, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे अपने बांसुड़ा मनाया जाता है, बांसुड़ा का मतलब है कि वो सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियां स्टार्ट होती हैं तब, तो बांसुड़ा मतलब है कि
लोग बाग कहते हैं सर्दियों में बासी चीजें खा लेते हैं, रात को कुछ बनाया सुबह कुछ खा लिया, तो सर्दियों में क्या होता है विंटर सीजन में वो चीजें खराब नहीं होती, गर्मी में वो खराब हो जाती हैं। रात को जो बना आप सुबह नहीं खा सकते। तो भासोड़ा का मतलब है कि भाई आज से पहले तक बासी चीजें खा रहे थे, अब खत्म कर दो, ठीक है।